नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम एक प्रसाद की रेसिपी बनाएंगे, सूजी हलवा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, कम समय में भी बनता है। ऐसा रेसिपी आप बनाकर भगवान जी के पास प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर दिया है, उसमें मैंने एक कप सूजी डाल के उसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और सूजी को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का हम इसे रोस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग ये रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए। और ये देखिए, हमारा सूजी हो गया है, उसे निकाल दिया है मैंने। और अब हम उसी कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी को हल्का गरम करके उसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू और किशमिश। आप बादाम भी डाल सकते हो, आपका मनपसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो इसे हम पूरा लो फ्लेम में पकाएंगे। लो फ्लेम में काजू किशमिश फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी रहता है और ज़्यादा कड़क नहीं बनता। तो ये देखिए, काजू किशमिश हो गया है और इसे मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। तो मैंने निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो घी इसमें है उसी में हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ठंडा पानी ही दे रही हूँ। एक कप सूजी लिया था तो उसके लिए मैं दो कप पानी दे रही हूँ। और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक दिया है और कुछ केसर के धागे में दे रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम उसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी जैसे ही हम ऐड करेंगे उसे फौरन इस तरह से चलाते रहना है ताकि उसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से। और अब हम क्या करेंगे, उसमें शुगर डालेंगे। शुगर मैंने एक कप से थोड़ा सा कम लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो और पूरा एक कप डाल सकते हो। तो अब हम ढक्कन दो तीन मिनट के लिए बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, शुगर मेल्ट हो चुका है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे इसी तरह से चलाते रहना है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। पहले हम घी डाले थे और थोड़ा सा घी डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी डालने से हलवा में एक ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है और ग्लेज करता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। तो ये देखिए, और इसे इस तरह से मैं निकाल देती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा काजू किशमिश सजा लेते हैं। इसे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से एक तुलसी का पत्ता भी देते हैं क्योंकि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग सूजी का हलवा बनाइए, खाइए। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।